प्रणियों माँ की चीज नख में। एक समय की बात है, एक गांव के वहां बहुत गरीब परिवार हो, मेरी माता बहनों अतो गरीब हो के एक तो नाज को नहीं हो भी परिवार के माए एक लड़के को जन्म हुआ है और वो लड़को छह महीना को है, जर अब्बी का पिताजी खत्म हो जाए, विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण क्या करे, क्यों के घर के माँ एक दानो नाज को नहीं और कोई सारो नहीं। आज बा माँ मन में विचार करियो, आपा जवान हाँ, आपा ने तो कोई दूसरो ब्याह के ले जा सके बटे इज्जत मिल सके, पर अपने बेटे ने इज्जत कठे ही मिली। प्रेमियों बा विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण करने के लिए और भी बेटे ने इज्जत दिवाने के लिए कठे ही नहीं जावे, भी घर में ही रहे है। और बेटे को पालन पोषण के लिए कोई के मजदूरी करने जाए, कोई के लावणी करने जाए, कोई के छेजे पर जाए, बेटे को पालन पोषण करे। आज तो शिक्षा को जमानो है और माता बहना नौकरी भी करें, भी जमाने का विधवा महिला यदि कोई दूसरे के घर चली जाती, लोग जमानो तरह तरह का भी महिला के ऊपर और चरित्र पर लांछन लगा दो, पर बा माँ भी बेटे के लिए प्रेमियों भी जमाने की परवाह करे बगैर मजदूरी करने जा। चलता चलता वो बेटो 5 साल को जो है भी को स्कूल में एडमिशन करवा दे है, आप मजदूरी पर जा और बेटा ने शिक्षा ग्रहण करवावे है और वो बेटो LLB कर ले है और RJS को कंपटीशन दियो भी कमा भी बेटे को सिलेक्शन मुन समझी स्टेट न्यायाधीश बन जा है, शादी कर दी ही बुढ़िया को बेटो जज बन जा है। भी जज के भी दो लड़का जन्मे जोड़ ला, दोनों लड़का की 25-25 वर्ष उम्र हो जाए, बुढ़िया के पोता की जज के बेटा की भी शादी कर दी और भी जज को प्रमोशन हो कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जा है। और प्रेमियों चलता चलता भी बुढ़ली की उम्र 90 साल हो जाए, 90 साल की मां ने और वो जज लेके एक दिन चले है वृद्धाश्रम में, चलिया कर तो शहर के माँ एक भी वृद्धाश्रम में छोड़े है और वृद्धाश्रम जगह कर्मचारी काम करिया करता बा के ऊपर आपके पद की धूस जमावे कि सुनो भाई मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं, आ मेरी माँ है, जय की सेवा में कोई शिकायत आ गई तो खाल खाड़ दूंगा। प्रेमियों धोस समा की वो जज पाछू वृद्धाश्रम मुंह निकले है, जना भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो 3000 रुपया को मजदूर भी कबा बात पल्ले पड़े है, वो पाछे ने सर तभी जज ने कहना साहब मैं तारो 2 मिनट बात कर लू, बोले हाँ भाई साहब आप डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाँ साहब तनखा करती है, बोलो 1.5 लाख रुपया साहब, आज की बोलड़ी अठे वृद्धाश्रम छोड़ी आ कौन है, वो जज बोले मेरी माँ है, साहब तारी 90 साल की माँ ने प्राय लोग क्या छोड़ी अठे, कोई आदमी केरला को है, कोई आंध्रा को है, बोली समझ माँ मैंने भाषा समझ माँ, वो जज कहने लगे कि मेरी माँ के मेरे टाबरा के और मेरी लुगाई के बड़े नहीं। चौकीदार कहने लगे साहब एक माई बुढ़ली की कोई गलती है, जज बोलो ना प्रेमियों खेतों वो जज साफ साफ करो और ना को नाम सुनता है और जज ने तू तड़ा के पराजय रे और वो चौकीदार कहने लगे रे यार अरे तू के मैं न्यायाधीश हूं, अरे तू तेरे 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सकी, पब्लिक के सागे के न्याय ताली तो बजाऊ कम से कम, पर्दन उठाए नीचे गिर ऊंचो कर। चौकीदार कहने लगे सुने मैं 3000 रुपया को मजदूर हूं, मेरे घर है झोंपड़ी पर मेरी माँ मेरे घर है, मेरी माँ ने मिले मिर्च रोटी बड़ी बड़ी सम्मान मिले हैं। चौकीदार कहने लगे सुन जज तेरे जी हाल की और नायलाई को औलाद कोई अच्छे माँ बाप ने देनी नहीं चाहिए। प्रेमियों वो जज बहुत चपर चपर कराया कर तो चौकीदार की इतनी बात सुने है भी जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जाए नीचे को नीचे रह जाए, घर चाल किए वे शाम को समय हो जाए है
रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ो खंठा डले नहीं। रात को समय वह सोने को प्रयास करे, नींद आंख में भड़े नहीं। क्यों? कि चौकीदार वाली बात मैंने झकझोर के मेल दे। सारी रात करवटा लेता लेता ठीक ठीक कर सीधो करे अपना सीधो करे असीधो करे चश्मान ऊपर में लिख थोड़ा सा ऊपर कर दे। प्रेमी सारी रात करवटा लेता लेता और जज सुबह बिना नींद लिया खड़े हो। तीन स्टाम्प मंगावे, पहले स्टाम्प के मैं और जति भी आपने के करने जमीन जगह रिपियो पीसो मैं दोनों बेटा के पत्नी के नाम कर दे। दूसरे स्टाम्प के मैं घराड़ी को तलाक नाम लिख दे और तीसरे स्टाम्प में आपके पदसुस्ती पर लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे है, तीनों स्टाम्प सौंपे है। दोनों बेटा पत्नी के लगे शादी के माँ के जज हाथ जोड़ के कहने लगे हो क्या आज तक मैं रिपियो को कमायो हो, मेरे बाप को जगह जमीन घर मार मिले हो, तारे तीनों माँ बेटा के नाम कर दिए, मेरे कन एक पीसो भी नहीं है। दूसरे स्टाम्प में घराड़ी को कहने लगे तेरो तलाक नामू है, तू चाहो तो दूसरी शादी कर सके, न चाहो तो तेरी मर्जी, पर मेरे का नहीं तुम आजाद है। और तीसरे स्टाम्प में मेरे पद सुस्तीपो स्तीपो को नाम सुनो पूरा परिवार बरलाए। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब ऐ मत करो नहीं हो घर बर्बाद हो जागो। प्रेमियों जज कहने लगे मन तो बिरो नहीं हो, जज छोड़ के चालने लगे। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब कैठे जाओ लिवरद आश्रम, साहब क्यों? बोले बैठे मेरी माँ है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब मत जाओ नहीं हो घर बर्बाद हो जागो। जज कह लगे बेटा ने बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, थाली माँ ने मैं कड़वी बात को तारे दोनों बेटा का तन तन में आग लग जा, वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है। प्रेमियों जज आ गए दोनों बेटा पत्नी सब लहर है वृद्धाश्रम में जा है। आपकी माँ को चेहरो दिख है, माँ बेटे की तस्वीर देखता है कहने लगी आ मेरा जज बेटा। प्रेमियों जज तो नाम सुनता है और आसवा को खरला टूपड़े और आपकी माँ के चरणा के माँ जज बैठे और जज किच मान के है और की माँ जवाब देर की वार्ता बने कहे है अरे दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी। मैं खूब किस गई ने साफी को मैया दे दे मने माफी को मैया जज बेटा, जज के माँ मैं की को जज हूँ, मैं मेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सकूँ, मैं पब्लिक के सागे के न्याय करे, मैं हूँ किसका इंसाफी मैया मेरी दे दे मने माफी, मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बूढ़ी सिर पर हाथ फेर कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छो बेटो है। जज कहने लगे नाम मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा, काम कर रहे गंदा
मेरे मूर्ख धरती पर कोई नहीं है, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा काम करया है गंदा, मन में ख्याल जाग गए नीचे, मैं छोड़ी तन वृद्ध आश्रम बीच, मेरी कोनी रू कांपी मैया मेरी दे दे मन माफी। जज के लगे माँ 90 साल की उम्र में लोग आपकी मान भी के पीर भी नहीं जानते, दूसरे के घर नहीं जानती कि अपनी माँ फीकी चापी वह कौन पावे। वो सर्दी को समय तेरे बोली समझ मावन भाषा समझ मावन में तना लोगा में छोड़ के चलियो गई। प्रेमियों जिके घर के माँ 90 साल का वृद्ध है, प्रेमियों 90 साल के आदमी का हाथ पगा मत तो शत नहीं हो है को वो रजाई खुद उड़ दे, भी परिवार को आदमी कोई रजाई उड़ा दे भी वृद्ध ने तो बेटी ठूरती सर्दी में बचावे, नहीं तो सिया मर तो आपका प्राण त्याग दे पर रजाई खुली उठी जाए। जज कहना क्यों माँ आप क्या कर रहे हो, अजय सुनो क्या कर रहे हो, बंद करो इसको, दांत निकाल रहे हो यार, मैं कह रहा हूं माँ माँ के कौन जिल में डाके फिर क्या क्या है। जज कहना क्यों माँ अठे तेरी बोली समझ मावन भाषा समझ मावन, ओ सर्दी को समय मेरो एक मिनट भी रोम रोम खड़ियो नहीं हो, अपनी मां 90 साल की उम्र में इठी टूटती सर्दी में क्या रात बीता होगी, मेरी कोनी रू कापी मैया मेरी दे दे मन माफी, मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी भूलड़ी सिर पर हाथ फेरे कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छो बेटो, तन जन्म देख के मैं धन्य होगी। सच कहने लगी माँ तू नहीं तेरी कोक्षु जन्म ले की मत धन्य होगो। जज के वह माने मने तू पाया पोषा काल का अपना मोशा, मने तू पाया पोषा काल का अपना मोशा, मदिया तोड़ भरोसा होती सैन घमन में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी खोती सैन घमन में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी भरनी बहू मने तू पालिया पोषे, जखे घर में मेरो जन्म होयो ई घर में एक दाणो नाच को नहीं, मेरो पालन पोषण तू क्या करो तू जाने तेरी आत्मा जाने, मने तू पालिया पोषे काल जा अपना मोसे मैं तेरा दिया तोड़ भरोसे। प्रेमियो माँ बाप बेटी बेटे ने क्यों पाले कि आपा जके दिन ऐसा आयो जावांगा जके दिन बेटो आपनो सारो बनेगो बेटी अपनी सारो बनेगा। जज कहने लगे माँ मने तू पालिया पोषा काल जा अपना मोसे में तेरा दिया तोड़ भरोसा। प्रेमियों कथा भी गरीब माँ बाप हो
वह आपके टाबरा ने इं पाले जिया राजकुमार ने पालता मुझे। जेको बाप दोथी बांग तो वह सुन रहे टाबरों या पेंट पैर तो वह या पजामू पैर तो वह तीन साल उबाई धोती पैर रहे और दीपावली को त्यौहार आगुर बा धोती फाटेड़ी हो रहे प्रेमी हस्तों तो वो बाप भी धोती के टाको दे लिए कि अगली साल नहीं लेवांगा। पर परिवार के सदस्य ने वो बेरो नहीं पढ़ दे के वो आदमी दुखी बहुत अस्तो अस्तो। पर प्रेमियों हर माँ बाप चाहे कताई गरीब हो त्यौहार आ जाए तो आपके टाबरा ने कपड़ा लिया के दी चाहे लाख रुपया कोई को उधारा लेना पड़े कपड़ा लिया के दी। क्यों के माँ बाप आ सोचे आपने बेटी बेटे ने आ नहीं होनी चाहिए कि अपना माँ बाप गरीब बहुत। हर माँ बाप आपके टाबर टीकरा ने यह पढ़े जी राजकुमार ने पढ़ता तो हर माँ बेटी बेटे को भी तो फर्ज वह है कि वो आपके माँ बाप ने यह रख जिया बादशाह में रख दो। प्रेमी बोले रुपया से कुछ नहीं होता बोले रुपया की जरूरी को नहीं जबकि माँ के एक बेटो है वो जयपुर भी जा भी माँ ने घर कह के जा माँ मैं जयपुर जाऊँ माँ बन तीन दिन कुछ समय लगेगा तीन दिन बाद में पाछो घर बड़े है। माँ ने पूछे माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तू रोटी टुकड़ो खायो। प्रेमियों बा माई समाज में गांव में नहीं खड़े शीनो चोड़ो करके नहीं खड़े और मालिक का बहुत गुण गावल मालिक तेरा लाख लाख शुक्र तो ही है कि बढ़िया संतान और ने भी दे। और प्रेमियों एक और बात बताऊं आप 30-35 साल से कम उम्र के आप जो शराब पी करके और डीजी पर ऐसे करते हो ना आपके माँ बाप को बहुत शर्म आती वो बहुत लज्जित होते हैं। गांव में बढ़िया बेटो जल में लोग गांव का चर्चा करे फलाने के बेटो नहीं हीरो जल में और जब कहे इं करता फिरे एक गांव का लोग चर्चा करे को फलानी आड़ो करे वे माँ बाप ने आप ते गांव में नहीं जीण दो भी रिश्तेदारी में नहीं जीण दो बाबाया में नहीं जीण दो वे माँ बाप ने कट्ठे जीण दे। प्रेमियों आपकी जो मित्र मंडली है आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो अपरिपक्व है आपको बर्थडे पार्टी के नाम से शादी पार्टी के नाम से आपको शराब परोसते हैं। आप एक बार शराब का इस्तेमाल करते हो दो बार करते हो तीन बार करते हो और धीरे धीरे उस शराब के आदि हो जाते हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद होती है। जबकि माँ बाप का एक बेटो है और कुसंगत के कारण शराब की लत पड़गी रात ने शाम को 8 बजे और वो बेटो दारू पीने जा है माँ बाप टूपर टूपर भी बेटे की जाता की पीठ देखे। प्रेमियों शराब में लत पतो किया वह खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जाए वह दोनों माँ बाप भी बेटे की पाछा एड़ की भेट बोडी देखे। आप प्रेमियों कल्पना करके देखो वो माँ बाप इसे संसार में किस लिए जिए क्यों जिए। और यदि आपको शराब पीना है उस माँ बाप की पहले कत्ल कर दो आप उनको या तो खाने में जहर दे दो या किसी बिजली का शॉट लगा दो वो पल पल तो नहीं मरे। जो शराब पीते हैं लोग और ऐसा है उनके माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। सरव साहब आप जो परिवार हैं उनकी आत्मा से पूछ करके देखो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है ये भगवान का दरबार है भजन संध्या का कार्यक्रम है जो 35 साल से कम छोटी उम्र के जो बच्चे हैं आप इस गांव का आप उस परिवार का आप इस हिंदुस्तान का भविष्य है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है दोनों हाथ उठा करके ये संकल्प करें कि हम शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो 35 साल की कम उम्र के मैं आपसे कह रहा हूं बेटा शराब पी होगा हाथ उठाओ दोनों हाथ उठाओ। जो 35 साल से कम उम्र के 35 साल से कम उम्र के हों सरपंच साहब हाँ तो उठाई रखना भैया छोरा उठाऊंगा नहीं क्या सरपंच साहब माता बहनों उठाई रखना अन बच्चों के लिए ताली बजाओ। एक बात और बताऊं बेटा जो ही हाथ करके उठा रहे हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं है हाथ मत उठाना क्यों आपके दिल में वो दर्द ही नहीं है आपको यही पता नहीं है ये क्या कह रहा है
और यदि आप अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, इस धरती पर किसी के नहीं हो सकते, और माँ बाप की इज्जत का की परवाह नहीं है, आपको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, आप जिंदा लाश है, आपको मर जाना चाहिए, आप मरे हुए हैं। वैसे सांस लेने से, खोज मानने से इंसान नहीं होता, इंसान वो होता जिसके दिल में दर्द हो थोड़ा बहुत। प्रेमियों, पशुओं में और मनुष्य में बहुत सी समानताएं होती है। खाना पशु भी खाता है, खाना मनुष्य भी खाता है, नींद पशु को भी आती है, नींद मनुष्य को भी आती है, जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है, वंशवृद्धि पशु भी करता है, वंशवृद्धि मनुष्य भी करता है। पर मनुष्य में एक चीज होती है, मनुष्य में बुद्धि होती है और पशु में बुद्धि नहीं होती। और चार पैर के जानवर नहीं होते, जिसमें बुद्धि नहीं है वो भी दो पैर के जानवर ही है, और जो हा हा करके उठा रहे हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनके सामने चाहे लाश पड़ी रहो, उसके कोई परवाह नहीं, वो अपनी आदत है, अपनी इच्छा है, वैसा काम करता है। इसलिए जो हाथ उठाए ना, उनको उठाने की जरूरत नहीं। आप इस समाज में, इस परिवार में गंदगी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। प्रेमियों, एक बार वो लोग बताना मेरे को जिनके फिलहाल इस समाज में धरती पे मां जिंदा नहीं है, हाथ उठा करके बताना। जिनकी मां जिंदा नहीं है, नीचा करो भाई। आप लोगों के सबके मां है, आपके जिंदा है। एक मिनट भाई, आप बहुत खुश नसीब हो। प्रेमियों, जगह के मां बैठी है, जगह ने मां की कीमत को पतो नहीं, माँ की कीमत को बेटा बने पतो है, जक्के के छोटो से की माँ छोड़ के चली गई। प्रेमियों, जक्के टाबर की माँ छोड़ के 4 या 5 साल में चली गई ना, वो टाबर खुल की नहीं जी इसके, चाहे बिके काको हो, चाहे बाबो हो, चाहे भाई हो, चाहे मामा हो, वो कुंठित हो की जीव आपकी छन बता नहीं सके। माँ जिंदा बना, चाहे गरीबी हो, खुल की जीव है, मां नहीं बने वो टाबर बड़ो खुंटित जीवों की जीव। और इस दर्द का मेरे को बहुत अच्छी तरह पता। प्रेमियों, जिस दिन मैं 7 साल को, जिस दिन मेरी मां धरती छोड़ के चली गई, मेरे छोटो भाई 4 साल को, आज सुबेदार है सरपंच साहब, 4 ही साल को, समय की मारियां लगी ही मेरी माँ को अंतिम संस्कार मेरे नानेरे में करे हुए टठाव तो गांव है बिरमसर के गन्ने रत्नगढ़ के। समय की है कि मारी जक्के जोड़े में मेरी माँ को दाग संस्कार कर रहा, मताने अनजान आदि मैंने हमड़ बरा दू, मेरे बैकग्राउंड चेक कर लियो, चाहे जक्के दिन भी जोड़े के मैं माँ किलो बकरी चरा दू, जबकि बच्चे की माँ खत्म हो जा रही की माँ को दाग संस्कार कर रहे हैं और वो बकरी चला रहे 7 साल की उम्र में, और इस समाज को, इस परिवार को, एक आदमी जबकि दिन मेरे सिर पर हाथ मेलनियों को नहीं हो, मैं मत ही रो लू, मत ही बंद हो जाऊ। प्रेमियों, एक मन था ही चक्कर काटा भी शमशान भूमि कहे के लोग के मैं रू दिखा, मैं आज तक कुछ नहीं दिखा, मैं आज भी मेरे नाने रह जाऊं भी शमशान भूमि का चक्कर काट के हूँ, कुछ भी नहीं दिखू। मैं तो बदनसीब हूं कि मेरी माँ की तस्वीर नहीं है, मारे चेहरों याद को नहीं है, मैं अपनी माँ की शक्ल कहीं लिखी। प्रेमियों, सब ने याद आवे जगह दिन में गरीब हा, आज मारे नौकरी पेशो सब कुछ है, मैं 20-20 हजार आदमी को खानो बनावा, बड़ा बड़ा मंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी आवे, सब लहर बह रहे, पर माली माड़ो को तो खाली दिखे। जिको आपकी मान चाहे वो हर टाबरा सोचे, अपनी माँ जिंदा होती तो अपनी माँ भी अपना और ठाट बाट देखती। प्रेमी, मेरे भी ये विचार है, आप लोग 30 साल उम्र सम्मान दे रहे हो, मेरी माँ जिंदा होती तो भी कभी आत्मा में सुकून हो तो कि आपने टाबर ने कती बड़ी इज्जत मिल रही है, टीवी मारे है, मोबाइल मारे है। प्रेमी, बड़ी दुख की बात है, इसलिए मैं मेरी माँ ने पल पल याद करूं। दूसरी बात, आप जो बैठे हो ना, जिके मेजा गिरने में खूब रुपया कमावा, घर जावा लुगाई भी है, टाबर भी है, भाई बंधु भी है,
जाता ही आ चर्चा करे क्या को जागरण लागियो क्या का लोग हा प्रेमी मेरी माँ जिंदा होती तो मना आ कहती कि मेरो छोरो जागरण में रहनो की अच्छा पानी बनाओ पहले कोई नहीं कुछ। इस सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है तो उसकी माँ है। बेटे की किडनी खलास हो जाए देखिए लुगाई निट जाए भी को बेटो निट जाए भी को भाई निट जाए भी को साड़ो निट जाए माँ जिंदा वे तो डॉक्टर ने आके डॉक्टर साहब मेरी किडनी काट दी मेरे छोरे के लगा दी। प्रेमी उस समाज में कोई कहने वालों नहीं है दूसरे आपको पता नहीं माँ क्या होती है। कभी ने कहा है आप बहुत खुश नसीब हो माँ बच्चों की क्या होती है माँ बच्चों की क्या होती है वो देखे वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है वो देखे वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है प्यारी प्यारी है तू बलिहारी है मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी प्रेमी बेटो बीमार हो जा बिकी लुगाई सो जा बिकटा बरस हो जा भाई सो जा माँ चाहे 31 साल की हो भी माँ ने नींद नहीं आई बा कुमार खोल खोल देख वो कर मेरे छोरे नींद आई कि नहीं आई। आपको पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है। प्रेमियों आप जो बच्चे हो ना बुद्धिजीव गॉड गिफ्ट एक दो होता है और या तो समाज से सीखता है या किसी वक्ता से सीखता है या समाज सुधारक से सीखता है और जिसके दिल में दर्द नहीं होता ना वो कहीं नहीं सीखता वो सिर्फ बुरा ही सीखता है और उस माँ बाप की जीते जी हत्या कर देता है। मैं क्यों हाथ उठा रहा हूं मेरे को इसका बहुत लाभ होता है। मेरी यदि जबान से यदि एक माँ बाप को न्याय मिल जाए प्रेमी हम हमारा भजन गाना सफल समझते हैं हमारी जिंदगी सफल समझते हैं। क्यों उस माँ बाप की आशीष मिलती है मुझे वो माँ बाप कुलड़िया के डाणी में बैठे मान आशीष थी भलो राम करे तो मूलचंद चौधरी को भी के भजन से मारो छोरो शराब छोड़ दी। प्रेमियों आशीष मैं जीवू जटता ने मेरे सुरक्षा कवच बन की और मेरी रक्षा कर सी के वहां और यदि मारी जबान से कोई समाज ने कोई परिवार ने थोड़ो बहुत लाभ मिल जा सर्वसा पक्को भी ले। मैं लेरली 13 जुलाई ने नारसिंगानी प्रोग्राम करने गई जाट मेघवाल नाई राजपूतियां किसी बस्ती ही शराब को ज्यादा इस्तेमाल कर रखो। एक नरपत सिंह नाम का राजपूत था 67 साल की उम्र होगी दिन में शराब पीता रात नहीं पीता परिवार गांव का रिश्तेदार सब मना लिया कौन छोड़ी। प्रेमियों में भजन संध्या करके आयो तन अनजाना आदमी अन हाँ मरे बना लियो मैं नरपत सिंह जी मेरी बात सुन शराब छोड़ती ताली तो बजाओ कम से कम। मैं दिसंबर के माँ मुकनगढ़ एक शादी में आयो नारसिंह वाले का लोग बाग मिला मन कह लगे मूलचंद जी खाली बात सु महल गांव का 13 आदमी शराब छोड़ दिया। प्रेमी आत्मा में बड़ो सुकून है
मैं पिछली और जुलाई के माँ बाठवाड़ा गांव है पल्लू के कन बट एक मुख राम जी सारण है मां के छुचक को कार्यक्रम है हाँ बजा भी मां के प्रोग्राम करने के भाई मुख राम जी और शराब पी किया जाए और पी किया जाए मैं एक टाबर ने कुछ कह दी ज्यादा से ज्यादा अभी टाबर की उम्र 27-28 साल वो पेट्रोल की बोतल लिया और कह लगे मूलचंद चौधरी की गाड़ी ने बाढ़ मैंने कहो तू के बिना एक भजन सुनायो प्रेमियों मैं अब के 21 और अगस्त ने प्रोग्राम करने गई भी बाठवाड़े में दोबारा गांव वाई मैं गयो जना मैंने पतो लागो कि भाई मुख राम जी वो बच्चों दोनों शराब छोड़ दी पूरा गांव का कहना के मूलचंद जी आपने इस गरखो और डूबने से बचा लिया प्रेमियों आत्मा में बहुत संतोष होता है मैं सरपंच साहब आपसे कह रहा हूँ जो बच्चे हाथ उठाए ना जो जिंदा दिल है शराब नहीं पिएगा और जो मूर्ख भी है उनको भी एक बार गिलास की तरफ हाथ करेगा ना मेरी बात याद जरूर आएगी उसको एक बार जरूर रोकेगी और फिर वो कुएं में पड़े तो बात अलग है एक बात मेरी बात जरूर रोकेगी हम जागरण नहीं करते हम जागृति करते हैं जब तक सामाजिक जागृति नहीं होगी धार्मिक जागृति होने का तो प्रश्न ही नहीं है और धार्मिक जागृति नहीं होगी आध्यात्मिक जागृति तो बहुत दूर की कौड़ी है प्रेमियों खेला गया जज की माँ कहे बेटा तू बहुत अच्छो बेटो है जज कह लगे माँ अच्छे आदमी मेरे जी लका नहीं है अच्छे आदमी चौकीदार जी लका में कह है ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर खरा से ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर खरा से वो लड़कू धूप मरा से ओ मैया हो ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर खरा से वो लड़कू धूप मरा से ओ मैया हो घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर घरवाली आदमी मेरे जी आने का नहीं हूं मैं ये चौकीदार खरिया से अच्छे आदमी चौकीदार जी आने का मैं ये चौकीदार खरिया से भ्रम मेरा दूर करिया से वो चौकीदार नहीं हो तो मेरे भ्रम दूर हो तो नहीं ये चौकीदार खरिया से भ्रम मेरा दूर करिया से मन ने बोला तू डूब मरिया से मनो चौकीदार आ कही कि तू तू डूबेड़ो ही ये चौकीदार ना बहम को नहीं आयो कि इतने बड़ा जज ने आप के कहा अपने पर मुकदमो दर्ज करा देखो मेरे मुंडे पर कई जना मेरी माँ मेरी आँख खुली ए छोरियो सुनो ए ते समझदार बन के बैठ जाओ ये क्लास थोड़ी है अरे बढ़िया कहे है चौकीदार नहीं हो तो मेरी माँ मेरी आँख खुलती को आप समाज का लोग बाग बैठे वरिष्ठ लोग हो सरपंच साहब हर गांव में हर समाज में निर्दोष माँ बाप ने बेटो या बेटी सतावा जरूर चाहे एक दो की संख्या उसके मेरा आपके प्रतिष्ठित लोगों से सबसे मेरा अनुरोध है यदि तारी नजर में कोई निर्दोष माँ बाप ने भी को बेटो को बेटी सताता थे बोलियो जरूर तारी एक बात में माँ बाप ने न्याय दिला देगी क्या क्या होगा ना के करो बन न्याय मिल जाएगा क्या सोचोगा ने यार आपा कोई ने नाराज क्यों करे वो भगवान माफ नहीं करे अंतिम समय तक मरोगा जठे ताई आप बात बोलेगी क्या अपनी आंख के सामने फलाड़ आदमी के सागर न्याय हो रो आपा बोलिया नहीं और जरूर मरती टाइम पड़ जा कीड़ा इसलिए आप वरिष्ठ लोगों आपका भी दायित्व है
दोनों हाथ उठा करके आप भी ये संकल्प करो कि आपकी आंख के सामने और कोई और अच्छा माँ बाप ने सता रहे थे, बोलियो जरूर दोनों हाथ उठा के। ताबरो इन बच्चों के लिए थाली बजाओ, बुजुर्गों के लिए थाली बजाओ। पर जखा माँ बाप को कहो नहीं माने बा के लिए कभी आखिरी कड़ी में कही है तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी मैया हो, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी मैया हो। गावे मूलचंद कंसल वाला दिल का नहीं मेरे काला, गावे मूलचंद कंसल वाला दिल का नहीं मेरे सतपुरुषा की थापी को मैया दे दे मने माफी, को मैया दे दे मने माफी, को मैया दे दे मने माफी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी। एक सेकंड, जो 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चों मैंने आंख से देखा आप उस समय हाथ उठाए, दो तीन को आपने सीख करके हाथ उठाए। मेरा आपसे एक बार अनुरोध है, क्योंकि बच्चा कोरा कागज होता है, उसको जैसी संगत मिलती है वैसा हो जाता है, बचा वो ये नहीं सोचता कि मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है, क्यों कोरा कागज होता है, इतना अनुभव भी नहीं होता। जो बड़े लोग हैं उनको उम्र का अनुभव हो जाता है। मेरा आपसे एक बार अनुरोध हो दोबारा है, जो 35 साल से कम उम्र के उनसे कह रहा हूँ, बड़े हैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, एक बार दोबारा हाथ उठाओ और दिल में दर्द पैदा करके उठाओ, माता बहनों के लिए ताली बजाओ। सरपंच साहब हाथ उठाए रखना, आप गांव के वरिष्ठ लोग अपने गांव के बच्चों को देख लो, मैं 100% तो नहीं कह सकता पर ये गारंटी शुद्धि कहता हूँ कि आपको 50% इन जो हाथ उठाए हैं उनमें से 50% शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरी रचना बहुत बहुत मैं आभारी हूँ बेटा आपका। मेरी रचना आपको यदि थोड़ी बहुत भी बहुत होती है, 100 में से एक बच्चा भी छोड़ देना, आपका प्रोग्राम कराना सफल है और हमारा भजन गाना सफल है। इतने सोरा काम, इतना सस्ता काम नहीं है आप सोच रहे। आप जो आवरण देख रहे हो आपको पता नहीं है क्या, ये चलता रहा बहुत ज्यादा होता है, यदि 5-2% भी हो जाए ना वो भी बहुत ज्यादा होता है, 50% तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 2%, 1% भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों बच्चों मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और मेरी यदि बात ताने थोड़ी बहुत भी तारे आत्मा तक पूछी तो दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ ताली बजाओ, इतने देर बजाओ जितने दिन मैं नहीं कहूँ रुक जाओ भाई। अरे दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी, दिल में दोनों हाथ उठा के पानी चौपट होगी जज की बाणी, दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी, दिल में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो प्रेम दिया, जो समय दिया है,